में आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल गार्डन वॉइस के अंदर करता हूँ आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे जी सिंगोनियम प्लांट के बारे में, और इसका दूसरा नाम है जी एरोहेड। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, क्या आपको सावधानियां बरतनी है, क्योंकि ठंड का महीना होने वाला है जी स्टार्ट। क्योंकि अक्टूबर के बाद आप देखेंगे नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर अच्छी खासी ठंड पड़ती है, तो ठंड के अंदर आप अपने सिंगोनियम प्लांट की कैसे देखभाल कर सकते हैं, उनको वन बाई वन करेंगे जी डिस्कशन। तो सबसे पहले बात करेंगे जी इसकी लोकेशन की, क्योंकि लोकेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है जी ठंड के अंदर। अगर आपका प्लांट है और आपने छत के ऊपर रखा हुआ है और शेड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, छत पे रखा हुआ है लेकिन शेड के अंदर, यानी कि उसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती। नॉर्मली गर्मी में क्या होता है कि हम इसको इंडोर रखते हैं या साइड में रखते हैं, या ऐसी खिड़की बनी हुई है खिड़की के आड़ में हम रखते हैं। लेकिन छत के ऊपर अगर आप रखते हैं तो छत पे जब आप रखेंगे तो इस ठंड के अंदर इसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है पहली बात, ठीक है। और ठंड के अंदर ओस का पानी गिरता है, यानी कि फॉग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो इसके ऊपर गिरता है तो वो इनकी पत्तियों को डैमेज कर सकता है। तो आपको इसको पाले से बचाना है, यानी कि ओस से बचाना है, फॉग से बचाना है, पहली बात ये हो गई। और आप जब भी इसके अंदर पानी डालने का जहन बनाए, यानी कि अब हमको इसके अंदर डालना है जी पानी, तो पानी डालने का जो प्रोसीजर है वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ठंड के अंदर जो एवोपरेशन जो होता है, यानी कि पानी को कन्वर्ट करने का फिर दोबारा पानी में, यानी कि वेपराइजेशन जो चलती है गर्मी के अंदर होती है ज़्यादा। आपने पानी डाला, गर्मी की शिद्दत से, गर्मी की इंटेंसिटी से इसका पानी जल्दी से खुश्क होता है, वो हवा में उड़ जाता है या पत्तियां ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन ठंड के अंदर ये प्रोसीजर हो जाता है कि बहुत ज़्यादा स्लो। तो आपको पानी इसके अंदर तभी डालना है जब ऊपर की जो आपकी मिट्टी है, ठीक है, वो तकरीबन 1 से 1.5 इंच हो जाएगी, सूख जाए, ठीक है। अभी तो ये गीली है, हमने इसको 2 से 3 दिन पहले ही पानी डाला था, ठीक। तो जब आपकी मिट्टी सूख जाए तभी आप इसके अंदर पानी डालेंगे। अगर आप इसको डेली बेसिस पे पानी डालेंगे या हर दूसरे तीसरे दिन पानी डालेंगे तो क्या होगा कि इसकी जो जड़ें हैं वो सड़ सकती हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा जाएगा, ठंड का महीना है, पानी खुश्क होगा नहीं, और वो उसकी जड़ों को करेगा जी खराब। जब जड़ों को खराब करेगा तो पौधे की जो ग्रोथ है, जो आपकी जो पत्तियां अभी भी ग्रीन ग्रीन नजर आ रही हैं, तो उसके पत्तियां पीली होना स्टार्ट हो जाएंगी, सूखना स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो आपको कर सकती हैं जी प्रॉब्लम। और दूसरा, आपको अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहनी है। क्या करनी है जी? गुड़ाई। गुड़ाई मतलब ये कि जब आपको देखना है कि 15 से 20 दिन के बाद जब इसकी सरफेस थोड़ी सी और फ्लैट हो जाए, ठीक है, और इसके ऊपर काई भी जम जाती है, अगर आप इसकी गुड़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, पानी का जो वेंटिलेशन जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन जो मिलने के जो रास्ते होते हैं, यानी कि जो पोर्स होते हैं, वो ढक जाते हैं, यानी कि काई जमा हो जाती है और मट्टी टाइट हो जाती है ऊपर से, और आप पानी डालेंगे इसके अंदर तो वो पानी नीचे से ड्रेन आउट तो हो जाएगा लेकिन जड़ों को नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, वक्त रहते रहते इसकी मिट्टी को हल्के हल्के से कुरेद देना है जी किसी भी टूल्स के माध्यम से, यानी कि आपको इसकी कर देनी है जी गुड़ाई, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जी सर्दियों के अंदर, खास गर्मी में भी आपको करनी है और ठंड में भी आपको कम से कम महीने में एक बार तो इसकी गुड़ाई जरूर करते हैं। और आप देखें कि आपके प्लांट के अंदर कोई येलो लीव्स तो नहीं है, यानी कि येलो लीव्स मतलब वो पत्तियां हेल्दी नहीं है, थोड़ी सी डाई हो रही हैं, ठीक है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करनी है। जैसे हमारे प्लांट है इसके अंदर तो सारी पत्तियां हेल्दी नजर आ रही हैं, ठीक है, प्रॉपर इनको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, लाइट भी मिल रही है, इनडायरेक्ट सनलाइट भी मिल रही है, फिर भी अगर आपको कोई एक ना एक पत्ती, जैसे कि है हमारी पत्ती आपको दिख रही है जी थोड़ी सी ड्राई हो गई, ठीक है, अभी तो थोड़ी ठीक है, बट जब आपको लगे कि पत्ती बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है तो आप इसको यहां से, यानी कि उसको इसके बॉटम से, यानी कि इसके बेस से इसको अलग कर दें और उसको फेंक दें, ठीक है जी। फेंकने मतलब इसको कंपोस्ट बना लें, या जहाँ आप पत्तियां इकट्ठी करते हैं वहां पर इसको रख दें जी, ठीक है, सूखने के बाद इसको कंपोस्ट के अंदर ही इजीली कन्वर्ट हो जाएगी। और जो आप पानी डाल रहे हैं, एक तो आप पानी डाल रहे हैं जी जड़ के अंदर, वो आपको ध्यान रखना है कि जब मिट्टी खुश्क हो तभी आपको पानी डालना है, और आप इसके ऊपर स्प्रे से भी पानी डाल सकते हैं, क्योंकि दो तरीके से इन पौधों को इनका न्यूट्रिशंस मिलता है, यानी कि इनकी जो डाइट होती है वो पूरी होती है, एक तो जमीन के अंदर हमने पानी डाला गमले के अंदर, और अगर आप इनके ऊपर स्प्रे करते हैं जी पानी का, तो उससे एक फायदा ये होगा कि आपकी जो पत्तियां होंगी चमकदार होंगी, और जो डस्ट और डर्ट जो इनके ऊपर जमा हो रही है, धूल मट्टी जो जमा हो रही है, वो भी साफ हो जाएंगी, जिससे आपकी जो पत्तियां हैं फुल्ली
अट्रैक्टिव नजर आएंगी, शाइनिंग नजर आएंगी और आपका पौधा और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आप 15 से 20 दिन के अंदर इसके ऊपर एक स्प्रे भी जरूर करें, ठीक है जी। और अब बात करेंगे जी इनके फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। हमने तो उसको वर्टिकल गार्डनिंग के तौर पर इसको सजा रखा है, ठीक है। हमने इसको हॉरिजॉन्टली ना बिठा के एक रैक के ऊपर इसको लगा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा स्पेस हो, ज्यादा से ज्यादा रोशनी और ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत ये हमारे गमले लगे। तो खाद की अगर बात करेंगे तो ठंड के अंदर आप सिर्फ अक्टूबर के महीने के अंदर इसको फर्टिलाइज कर दें, अक्टूबर के लास्ट तक आप इसके अंदर कर दें, क्योंकि नवंबर दिसंबर जनवरी उसके अंदर क्या होगा, जो उसकी जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट हो जाएगी जी स्टॉप। पत्तियां दिखाई देंगी जी आपको जो है वो बरकरार रहेंगी, न्यू ग्रोथ नहीं लगेगी, यानी कि नई नई पत्तियां नहीं आएंगी, क्योंकि ठंड के अंदर ये अपने डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि जिंदा तो रहता है लेकिन अपनी ग्रोथ को नहीं बढ़ाता है। तो ऐसे वक्त में आप इसके अंदर फर्टिलाइजर भी डालेंगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन इसकी जड़ों को गर्म रखने के लिए, एनर्जी यानी कि हीट प्रोवाइड करने के लिए आप इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। कौन सा वाला जी? सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर अगर आप इसके अंदर देंगे तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से भी होगी, ठीक है, और इनकी जड़ों को भी आप देखेंगे गर्माई मिलेगी। तो लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पे आप इसके अंदर मस्टर्ड केक डाल दें, ठीक है, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर डालना है आपको। और अगर आप स्प्रे करना चाहें तो सी वीड फर्टिलाइजर का स्प्रे कर दें और पानी के अंदर भी इसको डाल दें, यानी कि दो खाद का आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी सिर्फ अक्टूबर के महीने के अंदर आपको कर देना है, यानी कि फर्स्ट अक्टूबर को आप इसके अंदर क्या करें, सीवीड फर्टिलाइजर डाल दें, और 15 दिन के बाद आप चाहें तो उसके अंदर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी कर सकते हैं और इसकी पॉट के अंदर भी डाल सकते हैं, और अक्टूबर के बिल्कुल आखिर में आप इसके अंदर मस्टर्ड केक का फर्टिलाइजर डाल दें। फिर आपको फरवरी तक इसके अंदर कोई भी खाद नहीं डालनी है। कौन आ गया? और अब हम आ गए हैं जी छत के ऊपर। तो छत के ऊपर भी हमने इसको छत के अंदर रख रखा है जी, छत पे लगा रखा है, लेकिन डायरेक्ट सूरज की रोशनी इसके ऊपर नहीं पड़ती है, बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट इसको पड़ती है, ठीक है। तो आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं कि अच्छी इस तरीके से चल भी रही है और बहुत अच्छे ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ भी कर रहे हैं। अगर आप इसको नॉर्मली इंडोर में रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त एक एयर प्योरीफायर है, ये आपके कमरे की जो हवा है उसको प्योरीफाई करता है। तो ठंड के महीनों का आगाज हो चुका है, तो आपको भी अपनी तैयारियां पूरी कर देनी है जी अपने प्लांट की, खासतौर से सिंगोनियम के बारे में हमने वीडियो बनाई है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।